आप सभी को नमस्कार। आज शैलेश मटियानी जो हिंदी के बहुत ही जाने माने कथाकार थे उन पर केंद्रित एक साहित्य मंच कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे तीन आमंत्रित वक्ता हैं, आदरणीय प्रकाश मनु जी, हरिसुमन बिष्ट जी और हरेंद्र सिंह असवाल जी। हम तीनों ही अतिथि वक्ताओं का साहित्य कार्यक्रम की तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित कथाकार आदरणीय पंकज बिष्ट जी हमारे साथ हैं। हमारे बीच में गिर गौर साहब और गौतम जी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने से पहले मैं बहुत ही संक्षेप में रचनाकारों का आपसे परिचय करा देता हूँ। प्रोफेसर हरेंद्र सिंह, आपका जन्म नवासू में हुआ जो कि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में स्थित है, कपलखील गांव का नाम है। आपकी स्कूली शिक्षा गांव में 12वीं तक हुई, उसके बाद बीए और एमए हिंदी भाषा में दिल्ली विश्वविद्यालय से 1980 और 1985 में आपने एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से और प्रोफेसर केदारनाथ सिंह के निर्देशन में आपने शोध किया था। चंद्रकुमार वर्तमान की कविताओं पर आपकी पुस्तक प्रकाशित है। उखड़े बिखरे लोग शीर्षक से उपन्यास प्रकाशित है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेख और कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। वर्तमान में आप जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम प्रोफेसर हरेंद्र सिंह असवाल जी का स्वागत करते हैं। आदरणीय हरिसुमन बिष्ट जी का जन्म 1 जनवरी 1958 अल्मोड़ा जनपद के गांव उत्तराखंड में हुआ। साहित्य जगत में कथाकार और उपन्यासकार के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए एक हिंदी सेवक के रूप में आप लगातार काम कर रहे हैं और अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपके कई उपन्यास प्रकाशित हैं जिनमें ममता, आसमान झुक रहा है, होना पहाड़, आछड़ी माछड़ी, बसेरा, भीतर कई एकांत, बतीसरा गौ मोला, अपने अरण की ओर, ये कई ऐसे उपन्यास हैं जिन्होंने बड़ी चर्चा प्राप्त की है। अभी आपका जब उपन्यास 32 रात गांव मोला मोला राम पर केंद्रित है छप के आया तो चर्चा में था। द सागा ऑफ ए माउंटेन गर्ल जो आज की मछली उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है, इसके अलावा इसका नेपाली भाषा में भी मन प्रसाद सुब्बा द्वारा अनुवाद हुआ है। इसका मराठी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है जो प्रोफेसर गोविंद गुरसेन ने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशन के क्रम में है रणांगड़ा आछड़ी शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है और कई अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद हो रहे हैं। आपका कहानी संग्रह सफेद दाग, आग और अन्य कहानी, मचकंगा, बीजू का, मेले की माया, उत्तराखंड की लोक कथाएं और हरिसुमन बिष्ट की चुनी हुई कहानियां, इन कुछ शीर्षकों से आपकी कहानियां प्रकाशित हैं। प्रेक्षाग्रह एवं अन्य कहानियां, इसके अलावा यात्रा वृत्तांत में अंतरयात्रा जिसका बांग्ला में अनुवाद हमारे पोत शीर्षक से हुआ है और नील के आर पार नाटक और पटकथाओं में आछड़ी माछड़ी, दिसंबर 1971 का एक दिन, लाटा, प्रेक्षागृह, ख्वाब एक उड़ता हुआ परिंदा था, फिल्म राजुला और फिल्म केदार की पटकथा और संवाद भी आपने लिखा है। आपने कुमाऊनी के सुप्रसिद्ध कवि दीवान सिंह सियोत्री की पुस्तक दीवानी विनोद का हिंदी अनुवाद किया है। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका का 27 वर्षों तक आपने संपादन किया। विक्टोरिया तोकोरेवा की कहानियां अपनी जबान में कुछ कहो का आपने संपादन किया। आपको एक प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे जिसमें आज की माचल उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति भोपाल का शैलेश मटियानी स्मृति चित्रा कुमार कथा पुरस्कार, बसेरा उपन्यास के लिए रत्न भारती सम्मान 2012 में ये भोपाल से प्राप्त हुआ आपको, सृजन साहित्य सम्मान 2018 में स्वर्गीय पंडित राम नारायण दाधी जी स्मृति कोटा राजस्थान से, बसेरा उपन्यास के लिए विजय वर्मा कथा सम्मान, आज की माचू उपन्यास के लिए सृजन गाथा डाटकाम पुरस्कार जो इजिप्ट से आपको प्राप्त हुआ, इसके अलावा मास्को रूस से एंटोन चेखो सम्मान 2018 में, प्रतिष्ठित संस्था पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली द्वारा उत्तराखंड की लोक संस्कृति और के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास के लिए उसने आपको स्वर्ण जयंती सम्मान से 2018 में सम्मानित किया। जागी जाओ उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन द्वारा आपको
साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एथेंस से वर्ष 2019 में प्राप्त हुआ। आपका संबंध साहित्य अकादमी से भी रहा है और दिल्ली अकादमी से आप सचिव के रूप में लंबे समय तक जुड़े रहे। हम आदरणीय भाई सुमन बिष्ट जी का साहित्य अकादमी में स्वागत करते हैं। तो आप सभी प्रकाश मनु जी से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। आपका जन्म 1950 में शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आप जाने माने लेखक और बाल साहित्यकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन की बाल पत्रिका नंदन में आप 25 वर्षों तक सहायक संपादक रहे। आपकी कई उल्लेखनीय कृतियां हैं, ये जो दिल्ली है, कथा सर्कस और पापा के जाने के बाद ये उपन्यास, कविता और सविता के बाद छूटता हुआ घर और एक और प्रार्थना, ये आपकी कविता संग्रह। आपने देवेंद्र सत्यार्थी के रचना संचयन का संपादन किया है जो साहित्य अकादमी से प्रकाशन के क्रम में। इसके अतिरिक्त आपने बच्चों के लिए 150 से ज्यादा महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन किया है। आपको गिरिजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार, हिंदी अकादमी का साहित्य भूषण साहित्यकार सम्मान और साहित्य अकादमी का पहला बाल साहित्य पुरस्कार आपको एक धातुन दुनिया कृति पर वर्ष 2010 में प्राप्त हुआ था। हमारे प्रकाश मनु जी का भी बहुत स्वागत है। बिना किसी औपचारिकता के मैं आमंत्रित करूंगा अपने रचनाकारों को कि वे शैलेश मटियानी पर अपने विचार व्यक्त करें। मैं सबसे पहले आदरणीय हरिसुमन बिष्ट जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें शैलेश मटियानी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपना आलेख प्रस्तुत करें। जैसे शैलेश मटियानी आलोडन विलोडन
या क्या जैसा कहते थे क्या जो शब्द है वो कुमाऊनी का है और अमूमन वो इसको पिक्ट में प्रयोग में लाते थे। यह कैप जैसा होने की अनुभूति उन्हें बहुत मुश्किल इंसान बना देती है। असल में बड़ा लेखक होने को वह कभी अनुभव नहीं कर पाए। एकाएक सैलिस मटियानी समृतियों में जाग उठे, स्मृति में हलचल सी होने लगी। आखिर सैलिस मटियानी क्यों एकाएक प्रासंगिक हो रहे हैं, जिन्हें हिंदी के प्रभु समाज ने बुला दिया और मैंने भी। कुछ तो है आज उनकी वह हिंदी समाज की स्मृतियों में फिर से कुलबुलाने लगे और मैं अपने घर के ठीक सामने एक थ्री व्हीलर की घर खिस के रुकने की आवाज़ को सुनने लगा। पल भर में घंटी बजती है, भारी पांव चल नहीं रहे खिस रहे हैं, हाँपते नथुनों से सीटियां बजाते एक मुलायम सी आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंज रही है। मेरी माँ सामने खड़ी हैं, उस व्यक्ति ने माँ के पांव छू दिए हैं और संकोच से माँ ने एक बार फिर से दोहरा दिया है, पांव क्यों छूते हैं आप बड़े। ये भी क्या बात थी, इज्जत तो बड़ी होती है हमेशा, इसके उसके मन में छोटा और बड़ा का भेद कहाँ होने वाला था। यह तो अच्छी और बड़ी बात है, आप हरी सुमन की इज्जत है तो मेरी भी। तो ये तो हाजिर जवाब शैलेश मटियानी है, उनकी ही आवाज है। माँ जानती है वह मेरी उम्र में बड़ी है, आशीर्वाद देने की स्थिति को छू चुकी है, किंतु उसके मन में कभी ऐसा स्वीकार भाव नहीं रहा है। वह तपाक से कह देती हैं, मैं अनपढ़ हूँ, छोटी और बड़ी उम्र के मायने नहीं जानती। माँ हमेशा छोटी बना रहना चाहती हैं, शैलेश मटियानी से भी छोटी। उसकी दृष्टि में शैलेश मटियानी भले ही उम्र में छोटे हो सकते हैं, किंतु हैं तो बड़े लेखक। लेखक होना ही माँ के लिए बड़ा होना है। माँ ने उनकी कागज में लिखी कोई कहानी कभी नहीं पढ़ी, जीवन बांचना भली भांति जानती हैं। इसी ड्राइंग रूम में बैठकर शैलेश मटियानी की जीवन तो जीवन की कहानियां बीसियों बाद उनकी जुबानी जरूर सुनी है, जिनसे भिन्न कोई कहानी शैलेश मटियानी की नहीं हो सकती। बहरहाल शैलेश जी ने माँ के चरण छूने से पहले हाथ में थामे ब्रीफकेस को नीचे रख दिया था और थैला अभी भी कंधे पर छू रहा है। अब जमीन में पालथी मारकर बैठना उन्हें अच्छा लगता है तो बैठ गए। माँ हमेशा जमीन पर बैठती हैं, शैलेश मटियानी वैसे भी माँ के सामने सोफे पर नहीं बैठते हैं। सोफे पर बैठकर माँ से बातें करना क्या पसंद लगता है, ऐसा वह पहले कई बार बता चुके हैं। अब ब्रीफ केस खटाक से खोल दिया है, अलमोड़ी की बाल मिठाई और सिंगूड़ियाँ थमा दी हैं। वह जितने व्यवहार कुशल समाजी हैं उससे अधिक महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो बच्चों को ट्रॉफियाँ देना भी नहीं भूलते। अब यह भी पक्का हो चुका है वे सीधे पहाड़ से आ रहे हैं, जबकि उनका कुछ दिन पहले फोन आया था शायद उन्हें भोपाल जाना पड़े। कैलाश चंद्र जी का फोन आया था या फिर मेरठ दामोदर दीक्षित जी के यहाँ या फिर बरेली, कोई भी दूसरा शहर हो सकता है। मटियानी जी ठीक कहते हैं, सांप और ज्योति का घर कहाँ होने वाला हुआ, कभी देखा भी नहीं। शैलेश मटियानी अब नहीं जा पाएंगे, वह जीवित नहीं है, उनकी स्मृतियाँ हैं, स्मृतियों में हमेशा बने रहते हैं। एक है वह मेरी स्मृति में पानी की तरह तेजी से फैल रहे हैं। घर में उसका कल कल छल छल के शोर को संभालना कठिन हो रहा है। मैं महामारी के विकट दौर में एम्बुलेंस की भी के शोर को आज भूलने लगा हूँ, पर यह शोर वैसा तीखा और तीव्र नहीं है। यह तो मटियानी इस भयावह दौर में अपने बचे रहने का संकट को बता रहे हैं। परिवार की चिंता से शेर के भीतर कुछ उमड़ घुमड़ से फटने की अनुभूति होने को बता रहे हैं। उससे अधिक दुनिया भर के किसान आंदोलन को कोट और अनकोट कर रहे हैं। कोट उन्हें आनंद विहार से नोएडा पहुंचने में थ्री व्हीलर को इतना अधिक समय लगने की आशंका होती तो वहां से खरामा पैदा चला आता, जैसा कुछ कह रहे हैं। प्रेमचंद की भूमि से उठे इस आंदोलन से गरीब मजदूरों किसानों के मसीहा बनने वाले वामपंथी विचारधारा के लेखक को कोस रहे हैं। ये कोट यदि काम में कसर या खोट है तो इस दावेदारी का कोई मतलब नहीं कि उन्होंने खुद कितनी खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी दुनियादारी या कलाकारी की है, कितने अपूर्व प्रेम किए, कितने कठोर संघर्ष, अन्याय और शोषण के विरुद्ध कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किसान मजदूर के जुलूसों में लाल ध्वजा हाथों में लिए शोषित पीड़ित जनता को कितने लाल सलाम दिए। रूप और कला, दर्शन और विचार, धर्म और राजनीति, मानव जाति और संस्कृति के कितने समुद्रों को था, इन सारी चीज़ों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं अगर इस सब की गवाही हमें लिखे हुए से नहीं मिलती हो। कौन बंद।
क्योंकि शैलेश मटियानी की दृष्टि में वे किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर हमेशा मौन रहते हैं। ओ, अब शैलेश मटियानी का सुर उग्र हो चुका है। राम का रामराज, श्री कृष्ण का गीता ज्ञान, गुरु नानक देव एवं गुरु गोविंद सिंह की गुरुवाणी के जीवन में होने का महत्व बताने लगे हैं और यहाँ तक कि किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का किसानों के प्रति दृष्टिकोण में किसानी के मायने बताने लगे हैं। दक्षिण पंथ के लेखकों को लेखक की स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रति अपना दृष्टिकोण दो शब्दों में साफ करने को कह रहे हैं। राजीव यादव को हंस के प्रकाशन की प्रासंगिकता उसके संपादकीय को चुनौती देने लगे हैं। एक लेख पांच जने को भी भेजने को स्वीकार करे हैं। ओ, सरकार और प्रतिपक्ष के बीच छिड़े महाभारत में दोनों के पक्षों को समझाते हुए अब अपना पक्ष बताने लगे हैं, जिसे परोसकर वह अपना लेखकीय हस्तक्षेप सिद्ध कर रहे हैं। अंत में एक सवाल छोड़ते हुए, आखिर यह सन्नाटा क्यों बढ़ता है? क्या है जब देश का समाज के सवालों पर मूर्धनि गुमसुम हो तो सामान्य की कैसी भी गहरी आवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कोट बंद। जैसा कुछ बता रहे हैं, कोट राजनीति, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता और शासन प्रणाली, इन सब के प्रति मूर्धनि लेखकों के गुमसुम पन या अधूरे चित्त के उद्गारों के कारण ही आज विचार के क्षेत्र में इतना गहरा सन्नाटा छाया हुआ है कि आदमी डूबता हुआ मालूम पड़ने लगा है, कौमा बंद, जैसा कहकर गहरी मौन में चले गए हैं। बस ये है शैलेश मटियानी और उनका विशाल एवं भव्य व्यक्तित्व, जो लेखक होने से पहले आदमी है। यह वही आदमी बोल रहा है। यदि इससे हटकर भी कुछ हो सकता है तो मैं उसे नहीं जानता। बचपन से शैलेश मटियानी की रचनाओं को पढ़ा और उनसे प्रभावित भी हुआ था। साहित्य अकादमी में गुलशेर खान सानी ने यह कहते कि अपने एक और पहाड़ी बंधु से मिल लो शैलेश भाई, मुलाकात करवा देता हूँ, उनके करीब ला दिया था। हालांकि ऐसा परिचय करते समय सानी के शब्दों में विचित्र किस्म की रोचकता और हंसी में भरपूर संक्रमणता, जिसे आज मैं खिलंदड़ी प्रवृत्ति कह सकता हूँ, सोचता हूँ शैलेश मटियानी के संघर्ष का प्रतिफल की उपज ही क्या सानी के कथन के हास्य में व्यंग घुला मिला था, या फिर कुछ और जो मुझे व्यक्तिगत पसंद नहीं आया था, जिसे राजेंद्र यादव पहाड़ियों की जमात में एक और व्यक्ति का शामिल होना जैसा कुछ कहते थे। बहरहाल, इस समय बात शैलेश मटियानी को लेकर है, उनके सृजनात्मक लेखन को लेकर है, उनके व्यक्तित्व को लेकर है, जबकि उनके संघर्षशील विराट व्यक्तित्व को समेट पाना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह जितने सहज सरल स्वभाव के साधारण व्यक्ति थे, उससे कहीं अधिक बेरहम और जटिल जीवन को जीते रहे। मटियानी एक मुश्किल आदमी थे, उससे भी अधिक असाधारण विचारों को इधर से उधर ढोते रहे, जिनको विसारने को वह समुचित समय नहीं निकाल पाए, जिसके लिए उन्हें जीवन की अवधि छोटी पड़ गई थी। वह लंबी जिंदगी जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई विमर्श बचा कर रखे थे, जिनमें से एक चिंता राष्ट्र को लेकर थी, राष्ट्रीयता को लेकर थी और लेखक की हैसियत बताने की थी। उनकी परिधि में व्यक्ति, समाज और उसके मानवीय स्वरूप का प्रमुख रूप में थे, जिनके पक्ष में उनके पास असंख्य तत्व थे, जिनमें समृद्ध भारतीय समाज, वैश्विकता और कुछ अपने गढ़े निजी तत्व भी होते थे, जिन्हें वह तर्क से तीर की तरह निकालते, जब तक विमर्श के लिए भी चुनौती के रूप में निशाने पर दाग देते थे। मछली की आम का भेदन हो सकेगा या नहीं, यह उनकी सोच में उस समय नहीं होता था जब अपना लक्ष्य निर्धारित करते थे। जब वह कोई गंभीर बात करते थे, कहते थे, तो स्वाभाविक में मुस्कुरा देते या फिर जोर का ठहाका लगा देते। किसी गंभीर मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का यह उनका अपना तरीका था। सही मायने में बातों की गंभीरता से बचाते हुए बड़ी सरलता से डंडे की चोट पर अपनी अति गंभीर बात कहने का उनमें यह विशिष्ट गुण था, जिसे उनको सुनने और जानने वाले सभी परिचित थे। उनमें किसी तरह का छल छल और धीर गंभीर बने रहने का जैसा दिलसम उन्हें नहीं आता था, ऐसा उनके जीवन व्यवहार में भी नहीं था। कभी कभी सोचता हूँ इस अद्भुत व्यक्तित्व को हिंदी का लेखक बनने बनाने की भूल कैसे और किसने की होगी? किसी व्यक्ति ने, किसी अवतारी महापुरुष देवदूत ने, या फिर किसी समाज की निष्ठुरता ने, या और भी दूसरी वजह हो सकती है जिसने संघर्षों और अनुभवों की जमीन पर पका कर भाषा, कथ्य और चेतना के स्तर पर रचनाएं देने को तैयार किया, जिसने हिंदी साहित्य को समृद्ध ही नहीं किया, एक अलग सोच और वैचारिक विमर्श के द्वार ही खोल दिए थे। वही विमर्श जो उन्हें जीवन भर अभिक्षत कर जलालत और उपेक्षा देता रहा। क्या यह भी संभव है जिन हिंदी के रचनाकारों ने हिंदी कथा आंदोलन की झंडा बरदारी नहीं की,
जो किसी एक तरह के विचार विमर्श में वाहवाही नहीं कर रहे थे और वे आलोचक जो उस वाहवाही में अपने जीवन का उत्स ढूंढ रहे थे, शैलेश मटियानी जैसे लेखक उन्हें लुभा नहीं सके, या कोई और भी दूसरी वजह हो सकती है, जैसे कि वे शैलेश मटियानी में कोई नई संभावना नहीं देख पाए हों जिसकी संभावना आलोचक हिंदी कहानियों में तलाश रहे थे। उस दौर में शैलेश मटियानी जैसे ऐसे रचनाकार और भी थे जो किसी कथा आंदोलनों से अलग थलग पड़े थे या फिर कर दिए गए थे, जो निर्वाध गति से अपने लेखन को समृद्धि दे रहे थे, जिनकी रचना की दुनिया सामाजिक यथार्थ में पल्लवित पुष्पित हो रही थी, जिनकी जड़ें व्यापक गहरी और अपनी ठोर पर मजबूती से खड़ी थी, किंतु उनके लिए हिंदी आलोचना के मानदंड सिकुड़ते जा रहे थे। चंद रचनाकारों तक ही आलोचकों की पहुंच बनी हुई थी। इससे अलग थलग किए लेखकों को, जिनके लिए जीवन में लेखन के प्रति प्रतिबद्धता थी और उन्हें नैतिकता के रूप में नई चुनौती से रचनाओं की नई धार मिलती गई और उनकी नई तेवर की कहानियों से पाठक जुड़ते गए, उनकी रचनाओं की लोकप्रियता का दायरा फैलता गया और यही बड़ी वजह बनती जा रही हो। भले ही वजह कोई भी रही हो, छोटी या बड़ी, मुलायम या फिर शोध जैसी तीखी, सही मायने में हिंदी आलोचना तब से लेकर आज तक कोई स्पष्ट आकार नहीं ले पाई। क्या ऐसे में शैलेश मटियानी का कथन हमारे लिए उनके संबंध में ही नहीं, उस दौर को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? कोट, यदि साहित्यकार स्वयं शोषित या पीड़ित न भी रहा हो, तो भी उसे शोषित पीड़ितों का पक्षकार होना चाहिए, न कि शोषितों का। वर्ण वर्ग व्यवस्था और वादों से परे साहित्यकार की एक अलग स्थिति होती है, जहाँ वह तटस्थ भाव से साहित्य सृजन के अतिरिक्त क्रौंच पद की करुणा से संवेदित और व्याध की हिंसा वृत्ति के प्रति क्रुद्ध होता है। वाल्मीकि, धर्म, साहित्यकार यदि पीड़ितों अभिशप्तों के प्रति संवेदना सहानुभूत नहीं रखता, तो वह जन कल्याण के संवर्धित सोपानों से लुढ़क कर जन शोषकों की कुत्सित शरण में ठहर पाता है। उनका स्वधर्म सिर्फ यश अर्जन, धन अर्जन और पुस्तकों के प्रकाशन तक ही सीमित हो जाता है। कौमा बंद कमोवेश यही सूचनी से पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में जन्मे आंदोलन की भी है, जो चुनिंदा तथा कथित कार्यकारों तक सीमित होकर रह गई है। इससे नुकसान तो हिंदी समाज का हुआ है, जितना पाठकों का उतना ही आलोचना का भी। शैलेश मटियानी हिंदी जगत और जीवन जगत को भली भांति जानते समझते थे, यथार्थ उनसे दूर नहीं था। वह यह भी जानते थे उससे लड़ना इतना आसान नहीं, किंतु मुठभेड़ उनकी फितरत में ही थी, वह हार मानने वाले नहीं थे। इस अर्थ में उन्होंने स्वयं की प्रकृति में बड़े ही जिद्दी स्वभाव की प्रवृत्ति निर्मित कर ली थी, जिसमें उनका आदर्श मजबूत नैतिक बल अधिक मुखर होता गया। उनके लिए व्यक्ति से कहीं समाज से युद्ध आसान नहीं, अकेले व्यक्ति के लिए तो सबसे मुश्किल होता गया। शैलेश मटियानी कभी हार नहीं मानते थे, परिस्थितियों को इसके लिए जिम्मेदार मान लेते थे, कभी कभी अपने भाग्य को दोष देने लगते थे जिसमें स्थायी भाव में क्षणिक आवेग शामिल होता था। समाज से अधिक अपने प्रति धीरे धीरे उनमें यह प्रवृत्ति तेज होती गई, जहां वह गंभीर विमर्श को चुनौती देते थे, वही प्रतिक्रियावादी होने की आदत उनमें घर कर करती गई। उससे नफा नुकसान को वह भली भांति समझते भी थे। वह एक विचित्र किस्म की चर्चा थी, जिससे मुझ जैसे पहाड़ी चर्चा भी कहते नहीं सकते थे, किंतु इससे भी उन्होंने कोई सरोकार नहीं रहता था। एक लेखक की हैसियत लेखी की सरोकार उच्च और स्वीकार्य थे। इसके कई उदाहरण जिन्हें वह स्वयं बताते थे, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाना, राजभाषा और राजभाषा की लड़ाई लड़ते उच्च न्यायालय में जाना, राष्ट्रगान को अपनी तरह से मीमांसित करना, इतना ही नहीं संघ परिवार से नजदीकियां होने के बावजूद संघ परिवार की कठोर आलोचना करना भी उनका ध्येय था। संघ परिवार से उनके संबंधों को मैं बहुत भली भांति जानता था, जिनमें रज्जू भैया यानी संघ के तत्कालीन सह संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह से उनके निजी संबंध और पत्र व्यवहार, अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पर बिना समय लिए मुझे साथ ले जाना और उनसे परिचय करवाना, इतना ही नहीं मुरली मनोहर जोशी जी को मेरे किसी भी कार्य बाबत सहायता हेतु पत्र लिखना, जिसे अपनी सुविधा से समय अनुरूप उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी थी, जिसकी कभी जरूरत मुझे नहीं रही, वह पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित है। मेरा यहाँ ऐसा कहना आरोप प्रत्यारोप निरूपित करना एक तरफा होगा। उनके संबंध जितने संघ परिवार से थे, उतने ही नजदीकियां कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी और समाजवादी पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्रा से भी थे। जब उनके ध्रुव विरोधियों ने उन्हें भारतीय बताना शुरू कर दिया था,
तो किसी वाजपेयी ने उन्हें अपना नहीं बताया था, ऐसा नहीं है और ना कहना समीचीन होगा कि उन्होंने वामपंथी विचारधारा से गुरेज था। वह उससे प्रतिबद्ध लेखकों और बुद्धिजीवियों से जितना विमर्श में सहमत असहमत रखते थे और उतना ही वामपंथी विचारधारा के साहित्य से भी, जिसका उन्होंने दसवीं तक ही शिक्षित होने के बावजूद गहरा अध्ययन भी किया हुआ था। वे जितनी ओजस्वीता और विद्वता से भारतीय जीवन दर्शन को उद्धृत करते थे, उतनी ही गंभीरता से लेनिन, मार्क्स, अरस्तु और प्लेटो को अपने विमर्श में शामिल करते थे। हालांकि उसी समय हाथ झाड़ते हुए कहते थे, मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ। ये समय उनका संकेत डॉक्टर नामवर सिंह की तरह होता था, जिनकी विद्वता के वैज्ञानिक कायल थे। इसमें दो राय नहीं, शैलेश मटियानी का झुकाव भारतीय जीवन दर्शन की तरफ अधिक था। और यह बात अलग है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पसंद में शैलेश मटियानी कभी भी शामिल नहीं रहे। तर्क वितर्क और पसंद आकर्षण के चलते हुई प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में वह बड़े विजन का कथाकार थे। सभी दलों और लेखकों ने शैलेश मटियानी के व्यवहार, उनमें तार्किकता की विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए, यहाँ तक कि लाखों कमियों के बावजूद भी उनकी आर्थिक सहायता खुले दिल से की थी। इसे शैलेश मटियानी स्वीकार करते हुए सभी के सामने अपने जीवन की खुली किताब के पन्ने पलटने में संकोच भी नहीं करते थे, जो किसी से छुपा हुआ नहीं था। शैलेश मटियानी ऐसे किसी भी सहायता से ईश्वर की अनुकंपा मानते थे। कभी कभी इंसान में ही ईश्वर को देखते थे, ईश्वर का अपनों के बीच उनके साथ होने को मानते थे। उनकी ईश्वर में आस्था और उसके आधार प्रेम था। उसकी सत्ता को गंभीरता से स्वीकारते थे। इसमें भिन्न मत नहीं हो सकते कि भाजपा के विचारों में कुछ मुद्दों पर शामिल रहा हो तो राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर उनका जबरदस्त विरोध भी था। उनकी सबसे बड़ी कमी, क्षमा करें मैं अपनी अयोग्यता अक्षमता के बावजूद कह रहा हूँ, जो मुझे लगती थी वह कानून, संविधान, राष्ट्रवाद, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी पर बड़े धीर गंभीर मुद्रा में कोई सुना सुनाया जैसा वाक्य उछाल देते थे। कभी पांचजन्य जैसे पत्र में लिख भी देते थे। पांचजन्य में लिखना उनके पसंद में शामिल हो ऐसा नहीं था, उसमें लिखना छपने की संभावना और पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए ही होता था। उसमें निरंतर लिख रहे हों ऐसा भी नहीं था। किसी भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका में लिखना उनकी आर्थिक मजबूरी थी। कहते भी थे, लेखक लिखेगा तो उसे छपाएगा ही, आचार को डालेगा नहीं। राजीव भाई हंस में नहीं छापेंगे तो पांचजन्य में छपेगा। वैचारिक अछूतपन के चलते पेट पर तो कपड़ा नहीं बांध सकता। यदि ऐसा ही है तो वे लोग मुझे 2-4 लाख दे दें, मेरी भी परेशानी कुछ दिनों के लिए कम हो जाएगी। शैलेश मटियानी की आर्थिक तंगी में लिखने की इस मजबूरी को प्रतिद्वंदी उन्हें प्रतिपक्ष में खड़ा देखने लगते थे। कभी कभी अपने अप्रत्याशित व्यवहार के लिए भी वह उनकी आम की किरकिरी बन जाते थे, जिससे उनका ही अहित होता था। जहाँ इसे अपनी नासमझी कहने में नहीं चुकते थे, वहीं उसके दुष्परिणामों को महसूस भी करते थे। जब वह अपने चुपके शब्दों या घटित घटनाओं पर सोचते तो उन्हें लगता था कि सभी लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं या वैसा किया गया था। वास्तविकता यह थी, बीसियों बार में मेरे ही निवास पर बातों ही बातों में मेरे साथी और मुझसे पहले बहुतों को बता चुके होते थे। इसमें किसी कोण से क्षम्य भावबोध होता हो, मुझे ऐसा सुनने उनमें बढ़ते लगातपन के लक्षण से अधिक कुछ नहीं लगता था। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम दिनों में जब दिल्ली के मनोरोग चिकित्सालय में वो भर्ती थे, मैं उनसे वार्ड में मिलने गया, जहाँ मुझे देखकर खुश हुए और मेरे हाथ को पकड़कर चूमते रहे, अपने सीने से लगाते रहे। वहीं मेरे साथ कार ड्राइवर हरक सिंह पर पूरी तरह बरस पड़े, जो मेरे स्वच्छता के दिनों में सबसे रुचिमंद तथा मददगार लगता था, जिसे वह अपने साथ कहीं भी ले जाना पसंद करते थे। उसे पहचान नहीं सके, वह उनकी समृद्धि से लोप हो चुका था। वह पूरी तरह बिखर उठे, यह कौन है जिससे मुझे बचाओ हरिसुमन या मुझे मारने आया है। कौमाकम उसी क्षण मैंने ड्राइवर को बाहर चले जाने को कहा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद एक पल को ड्राइवर को भी नहीं। आज सोचता हूँ उस पल संभवतः हम दोनों उनके असाध्य रोग की मनोदशा को भूल गए होंगे। ऐसा नहीं था कि हम दोनों उनके अप्रत्याशित व्यवहार से अपरिचित थे, जो किसी असाध्य मनोविकार के ही चलते हो सकता है। हम भली बहन जानते थे, हम दोनों का कई दिनों से अस्पताल आना जाना चल रहा था। मुझे यह कहने में गहरा दुख भी है और उतनी ही प्रसन्नता भी कि शैलेश मटियानी जब स्वस्थ थे, उनके मन में मुझसे ज्यादा उस ड्राइवर के प्रति सम्मान का भाव अधिक था।
वही ड्राइवर जो उनकी मृत्यु पर दुखी होकर अपने निजी वाहन से सुबह सवेरे मुझसे हल्द्वानी चलने की जिद कर रहा था और मैं न चल पाने की मजबूरी बताते उसको समझाते हारने लगा था। दरअसल यह मेरे जीवन की सबसे पराजय हो रही थी कि जिस व्यक्ति से मैंने जीवन के कई पाठ सीखे उसी की अंतिम विदाई में दरअसल यह मेरे जीवन की सबसे पराजय हो रही थी कि जिस व्यक्ति से मैंने जीवन के कई पाठ सीखे उसी की अंतिम विदाई में शामिल ना हो सकने की असमर्थता के विषयों बहाने ढूंढ रहा था। मैं उन्हें स्मृतियों में संजोकर ही रख लेना चाहता था। मुझे स्मरण आ रहा है जब शैलेश विद्यानी स्वस्थ थे, पहले योग वशिष्ठ और फिर दुर्गा सप्तशती पर कार्य करने को मन मन में धीरे धीरे बढ़ते अवसाद के चलते बना चुके थे। उसका चरणबद्ध अध्ययन करना अभी शेष था। वे उस पुस्तक का शीर्षक कै साई के चित अवश्य तय कर चुके थे। धार्मिक ग्रंथों की जहां तहां जब तब चर्चा के साथ योग साधना और कुंडली जागरण उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनते जा रहे थे। उनके धुन के संबंध में भी बहुत कुछ उनके मस्तिष्क में उमड़ता घुमड़ता, जिसे चेतन अवचेतन में जैसा कुछ भी कह सकते हैं, चलता रहता था, जिसको अभिव्यक्त करने की उनमें छटपटाहट उससे बेचैनी होती थी। अपनी बात को कहते कहते उनका एकाएक चेहरे का तमतमा उठना, जिस शालीनता और मर्यादित भाषा के लिए वे जाने जाते थे, उस पर से अप्रत्याशित नियंत्रण को देते थे। ईश्वर पर भरोसा उनका यूं ही नहीं था। वह न व्यक्ति से डरते थे न दुनिया से। परिवार के प्रति मोह और उनकी परवरिश का दायित्व उन्हें अवश्य डरा देता था, जिसके लिए संघर्ष उनके जीवन के साथ ही चिपका रहा। वह परिवार को अपने शब्दों का जीवन नहीं दे सके तो भीतर ही भीतर टूटते और हारते भी रहे। बावजूद इसके एक मध्यवर्ती परिवार का जीवन और उसका भरण पोषण का दायित्व को शैलेश मटियानी हमेशा निरंतर पूरा करते रहे। अपनी पत्नी से उनका प्यार और बच्चों के प्रति उनका लगाव गजब का था। उनकी छोटी से छोटी इच्छाओं को वह भरपूर सम्मान देते थे। उनके इस समर्पण को देखते मेरे मन में ईर्ष्या होती थी और अपने समर्थ परिवार के लिए वैसा ही कुछ नया नहीं छोड़ पाने के लिए अच्छा सा अनुभव करता था। कभी कभी अपने स्वीकारते थे तो चौंकाते भी थे। मैंने पेट की आग से झुलझे हुए मन पुत्रों को चोरी, गृहपति, भड़वागिरी, कुंडली आदि अनेकों अनैतिक और आपराधिक अपराधपूर्ण कृत्यों को करते व बदले में निष्णतम दंड भोगते देखा है। मैंने बिना अपराध किए ही पुलिस चौकियों में कैद होने वाले, पुलिस के सोंटे खाने वाले देखे नहीं है, उनमें से एक मैं भी रहा हूँ। और मैं नहीं कहता कि एक आदमी को किसी दूसरे आदमी की जेब काटने, चोरी करने या गुंडागिरी फैलाने की छूट होनी चाहिए, मगर मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जो सरकार अपने लाखों नागरिकों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करने में भी अपने को निकम्मा पाती हो, उसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं कि जो भुखमरी व बेकारी से मजबूर इंसान को रोटी रोजी देने की जगह निशंक यंत्रणा देते हों। ऐसे लोगों का जीवन ईश्वर ही बचा कर रखता है, अप्रत्यक्ष रूप से जैसे ईश्वर ने उन्हें भी बचा कर रखा है। यह कहने की ताकत पटियाने ही रखते थे। उनकी प्रेरणा किसान आंदोलन के चलते आज मैं उनके शब्दों की ताकत और विमर्श में चुनौती को अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ शैलेश मटियानी के विमर्श के केंद्र में सिर्फ भूख नहीं है, जीवन जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है। यह अधिकार लोकतंत्र में सहजता से प्राप्त होना चाहिए था। रोजी रोटी जुटाने का समुचित अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। उसके संसाधनों पर समान अधिकार मिलने चाहिए। सरकार को इसे अपने दायित्व में शामिल कर साधन जुटाने की सलाह में छुपी चेतावनी देने में भी बहुत चूकते नहीं थे। आज भी यह कथन एक तरह से उनके लोकतांत्रिक मूल्यों पर गजब का विश्वास को ही प्रकट करता है। ऐसा नहीं है कि शैलेश मटियानी को भूख नहीं है, भूख सताती नहीं है, किंतु उससे कहीं अधिक युवाओं की बेरोजगारी की आग उन्हें झुलसाती है। यह जीवन के महाभारत में स्वयं भस्म होना चाहते हैं, किंतु अपने परिवार को बचा लेना चाहते हैं। यहाँ भी आग से खेलते हैं तो अपने स्वाभिमान को भी उसमें झुलसने नहीं देते।
कोई कुछ मदद करता है तो उसका गुणगान करते थकते नहीं है। एहसान में न डूबते हैं न डूबना चाहते हैं, हमेशा ये लिखा कि हैसियत को बचा कर रखने की उनकी प्रतिबद्धता जीवन के अंतिम दिनों तक जस तक बनी रही। जो भी जिस रूप में शैलेश मटियानी जी से जुड़ा रहा, वह उनकी प्रतिभा, लेखन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का कायल होता रहा। कहानी, लेख, जो भी वह जहां पर भी बैठकर लिखते थे, उसकी प्रीत में पत्रिका उसका पारिश्रमिक का अंक घुमा करता था, जिससे उन्हें किसी तरह का संकोच नहीं होता था। उसे वह अपनी किसानी मानते थे। जिस सीमा तक किसान को अपने खेत त्याग से प्यार होता है, जिसे किसान आंदोलन को अनुभव कर रहे थे, अपनी किसानी से उचित लाभ प्राप्त कर उनका ध्येय होता था। उसमें दो राय नहीं कि राजेंद्र यादव ने उनकी वक्त बेवक्त आर्थिक मदद की, किंतु किसी भी संपादक की आर्थिक सहायता शैलेश मटियानी को सहज स्वीकार नहीं थी। रचना देकर ही उसे पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करना उन्हें श्रेष्ठ लगता था। यह मुझे उनके साथ जब तक व्यक्तिगत रूप में भी अनुभव करने को मिलता था। एक दिन शैलेश मटियानी ने बताया, उनका आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, सेवाराम शर्मा जी चाहते हैं मैं दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, किंतु मुझे यह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरी आत्मा उनको कष्ट देने की नहीं हो रही है, वे बड़े आदमी हैं, साधन संपन्न हैं। यह बात उन्होंने बड़े गर्व के साथ कही, मुझे भी सुनकर अच्छा लगा, किंतु यह कथन उनकी व्याधि का उपचार करने में सहायक नहीं हो सकता था। यह बात सेवाराम शर्मा जी के निवास पर ही हो रही थी और मेरे लिए कुछ कहने व न कहने का धर्म संकट खड़ा हो गया। फिर भी किसी भी निर्णय के मैं अपने घर लौट आया। संयोग से रात में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इस बात को भी दूसरे दिन मुलाकात होने पर उन्होंने खुशी खुशी मुझे बताया कि शर्मा जी अपनी गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले आए थे। इस मामले में मेरा भी अनुभव था, शिवराम शर्मा जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तो थे ही, उससे अधिक बड़ा इंसान उनमें बसता है, उनके सरोकारों का दायरा विस्तृत है। उन्होंने कहा, हरिसुमन, मैं कल दिन ही शैलेश जी को समझा रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अस्पताल होकर लौट आए, किंतु उससे जरूरी हंस में कहानी देना उन्होंने जरूरी समझा, चले गए। शिवराम शर्मा जी इतने उदार होना, विशाल हृदय, जिसमें मटियानी जी और उनके परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान भाव होने की कोई दूसरी नजीर नहीं दी जा सकती थी, न समाज से और न पुस्तकों से, जिनके विषय में शैलेश मटियानी अधिकतर कहा करते थे, एक सेवाराम शर्मा जी हैं, दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी हैं, दूसरे गोविंद मिश्र हैं, भोपाल से, और तीसरे दामोदर दीक्षित हैं, मेरठ वाले। ये तीनों बड़े सरकारी अधिकारी हैं जो मेरे करीब हैं। तीनों के तीनों ईमानदार हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी घनिष्ठता होती है ईमानदार अधिकारियों से, जो मेरा ज़्यादा भला नहीं कर सकते, वरना कमाऊ सरकारी अधिकारी से होती दो चार मुझे दे देते और मेरा भी भला हो जाता, कमा बंद। बहरहाल मुझे उनकी मन की पीड़ा को समझने में देर नहीं लगी, चाहते हुए उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मैं उनकी मदद नहीं कर सकता था, फिर भी कोई रास्ता तो पकड़ना ही था, उस पर चला भी। मैं मटियानी जी के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। शैलेश मटियानी अपनी जमीनी हकीकत के कथाकार थे, जो समग्र रचनाकार थे, संघर्ष जीवन के अनुभवों से भरे हुए अति संवेदनशील रचनाकार थे। रहमतुल्ला, इबू मलान, चीन, प्रेत मुक्ति, सुहागिनी, दो दुखों का एक सुख, महमूद, महाबोध, अर्धांगिनी, अहिंसा, माता जैसी कहानियां तथा मुठभेड़, बावन नदियों का संगम, गोपली गपुरन और बोरीबल्ली से बोरीबंदर तक जैसे उपन्यास वही लिख सकते थे, जिन्हें हिंदी के पाठकों और आलोचकों ने हिंदी कहानी की उपलब्धि के रूप में लिया। मैं सोच रहा हूँ ऐसे प्रतिभाशाली विरल रचनाकार पर आयोजित इस संगोष्ठी को प्रासंगिक और अप्रासंगिक समय से कैसे जोड़ा जा सकता है। ऐसा तो कोई कालजयी रचनाकार ही हो सकता है, यह सिद्ध रचनाकार ही हो सकता है। ऐसा खेल तो व्यवस्थाएं ही रह सकती हैं जिसका ध्यान अपने गणित में ही लगा रहता है, जिसमें कोई बड़ी प्रतिभा प्रासंगिक ही नहीं होती। शैलेश मटियानी सही अर्थ में साहित्य रचते थे, जिसमें आदमी होता था वह आदमी जिसे व्यवस्था द्वारा हमेशा विक्षिप्तता और विस्मित की खाइयों में धकेला जाता है। शैलेश मटियानी की विक्षिप्तता की कहानी को उस आदमी की कहानी से कैसे अलग कर देख सकते हैं, उसका स्मरण कभी अभी नहीं, फिलहाल इतना ही। समय आने के साथ आपने अपना समय इतना मुझे दिया, मैं आभारी हूँ। साहित्य बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिसुमन मिश्र जी। चूँकि हरिसुमन मिश्र जी स्वयं कथाकार हैं और
जिन्होंने जितना करीब से शैलेश पटियानी को देखा है वो अपने अपने इस आलेख में हमें महसूस भी करा दिया, बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति। मैं अब आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर हरेंद्र सिंह सोनी को कि वे अपना विचार साझा करें। अभी बिष्ट जी का वक्तव्य सुना, मैं मटियानी जी को कभी नहीं मिला, बहुत कम मैंने उनको पढ़ा है, इसलिए इस वक्तव्य की मैं एक तरह से सबसे कमजोर खड़ी हूँ। अपने इस कमजोरी को पहले ही मैं व्यक्त कर दूँ, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा है उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा। लेकिन जिस भूमि से वो आते हैं उसकी चर्चा थोड़ा करना चाहते हैं। उत्तराखंड की धरती ने हिंदी साहित्य को केवल लेखक ही नहीं दिए, साहित्य और समाज को नए आंदोलन भी दिए। हिंदी खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि लोकरत्न गुमानी पंत से लेकर छायावादी कामा काव्य आंदोलन की जमीन तैयार करने वाले कवि सुमित्रा नंदन पंत तक, हिंदी के पहले डी पितामह तक बटवाल से लेकर मनोविश्लेषण तक प्रयासों की शुरुआत करने वाले विराजन जोशी, नई गांधी आंदोलन के कहानीदार शेखर जोशी, विद्यासागर मटियाल, शैलेश मटियानी, अकहानी आंदोलन के गंगा प्रसाद बिमल से लेकर हिंदी को नए रूप में दिशा देने वाले मनोज श्याम जोशी, कवि मंगेश डबराल से लेकर लीलाधर चौधरी, वीरेंद्र डोंगर, अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की दिशा बदलने का काम किया। हिंदी साहित्य उसके आंदोलनों में उत्तराखंड का अपना महत्व है। हम जिस भी कालखंड की बात करें उसमें पहाड़ की चट्टान जमा आएगी, उसकी नींव में पहाड़ का पत्थर लगा मिलेगा। रमेश सिंह मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1938 को अल्मोड़ा जिले के बाड़ी छीना गांव में बिशन सिंह मटियानी के घर में हुआ। पहाड़ में जैसे प्रधान समाज में मटियानी जी का माँ का नाम जैसे कोई महत्व ही नहीं रखता था, मुझे उनका माँ का नाम कहीं नहीं मिला, उसी तरह उनकी माँ का नाम भी कहीं दर्ज नहीं मिला। पिता जुआरी थे, फिर भी माता पिता के होने तक पढ़ रहा था, लेकिन 8 साल की अवस्था में मटियानी के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ गया। अब जीवन पढ़ना तो रहा दूर, जीवन यापन भी मुश्किल हो गया। उन्होंने गांव से चाचा शेर सिंह के पास जाना पड़ा, चाचा बुचर चलाते थे। अब स्कूल की जगह बुचर खाने में बकरी की खाल उतारने में काम में लगे। यह जीवन की वह पाठशाला थी जिसने रमेश चंद्र सिंह मटियानी को शैलेश बना दिया। उन्होंने लिखा, बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते और मैं बकरी के गान पर चाकू चला रहा होता। जब सूर्य हिमालय के पीछे से उठता, अस्तुत श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम लगाधिराज, तब वे बकरी के गान काट कर लटका रहे होते। ऐसा बचपन जिसने बिताया हो उसके बारे में समाज किस तरह का विचार करता है समझा जा सकता है कि 8 साल से 17 साल की अवस्था तक यह काम चला। तब मटियानी ने अपने जीवन की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा, यह बात 1952 की बात है, लिखना 48-49 से ही आरंभ हो गया था। भीतर भीतर एक व्याकुलता थी कि लेखक बनना है। शुरुआती रचनाएं वीर अर्जुन, रंगमहल, चित्रा, अमर कहानी में छप चुकी थी। इन कहानियों के छपने के दौरान जब एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटी जिसने उनके जीवन पर गहरा असर डाला, उन्होंने पर्वत से सागर तक अपनी आत्मकथा पुस्तक में लिखा। एक दिन दोस्त की दुकान पर कीमा कूट रहा था कि कसार देवी मंदिर की ओर से घूमने निकले बुद्धिजीवियों की टोली सामने से गुजरी। उनमें से एक ने 60 के लोगों से देखने को कहा सरस्वती जी का कीमा कूटा जा रहा है महाराज, और फिर सड़क के किनारे पिच से थूका और फिर एक समुद्री ठाकता बन गया। तब मन हुआ कि मां कूटने वाली चौपड़ से पिच थूकने वाले पर प्रहार किया जाए, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, नहीं तुम्हें लेखक बनना है। आक्रोश को दबाकर कमरे में गया, गुस्सा इतना कि अग्नि हो गया, बाकी बचा राह। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया और जाने कितनी देर तक यही चिल्लाता रहा, माथा पटकता रहा, दीवार से हेमा सरस्वती, चाहे कितनी विपदाएं देना मगर लेखक जरूर बना देना।
इस अपमान और प्रताड़ना के जीवन से भगवान माता सरस्वती, अगर तू सतमुज की माता है, तुम सतमुज की माता हो तो लेखक जरूर बना देना, नरक कर देना चाहिए जीवन की जिंदगी को, लेकिन लेखक जरूर बना देना माता, लेखक जरूर बना देना। लेखक बनने का ऐसा जुनून कहीं और नहीं। माता सरस्वती ने भी उसे लेखक बना दिया, लेकिन जैसा उसने कहा था जिंदगी चाहे नरक बना दे, इस शर्त को माता सरस्वती ने भी मटियाने के जीवन तक के लिए अमिट कर दिया। उनका सारा जीवन अनंत वेदना से भरा रहा, दुख ही जीवन की कथा रही, निराला की पंक्ति हम मजबूत होती रही। सरस्वती की बेटी मटियानी ने अपना नाम बदला, सुरती रमेश चंद्र सिंह मटियानी के स्थान पर पहले रमेश चंद्र सिंह मटियानी शैलेश किया और फिर शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी ने आजीवन कलम के मजदूर की तरह लिखा, 31 उपन्यास, 26 कहानी संग्रह, 13 निबंध संग्रह, 4 लोक कथाएं संग्रह, 5 बाल कथा संग्रह, संस्मरण कविता, क्या नहीं लिखा। रही सही कई कसर 2 पत्रिकाओं विकल्प और जलपक्ष निकालकर पूरा किया। अपने जीवन काल के संबंध में उन्होंने लिखा, सबसे पहले का स्थान का जिक्र जरूरी है, क्योंकि बिना स्थान के कुछ भी प्रारंभ नहीं किया जा सकता। और हाँ, समय जो कि एक मोड़ पर आकर काल बन जाता है, यहाँ तक कि महाकाल है, लेकिन आदमी को सबसे पहले घेरता है तत्काल। ये जो तत्काल है उनके जीवन में, जो भी चाहिए तत्काल चाहिए, पैसा चाहिए, घर खर्च चलाना है, ये करना है, तत्काल। इस तत्काल की कीमत मटियानी से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये तत्काल महाकाल ही, तत्काल से भी महाभयावह है। मटियानी ने ज्यादा इस बात को कौन मटियानी से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है कि तत्काल के साथ मटियानी जीवन भर लड़ते थे। यह खाल निकाल देने वाला तत्काल है, जो आधा घंटे में ही मनुष्य की खाल निकाल दे, यह है तत्काल। इस तत्काल ने मटियानी के जीवन भर घंटे भर घंटे दर घंटे खाल उतारी है। पहाड़ से उतरे तो मुंबई में खाल उतारने वाला पहला जो मिला वो था हम वतन गढ़वाली बाबूराम, जिसने पहले गाली देकर खाल उतारी, फिर सद्भावना दिखाकर कोट और जूते उतार लिए। टाइम्स हाउस में गए तो हम सफर ने भाग कर खाल उतारे। रात में बिना सहारा पार्क में पकड़े गए तो पुलिस थाने में पुलिस ने जेल गए तो जेल के कैदी ने सुबह उठे तो उन्होंने लिखा कि टट्टी की लाइन में लगना पड़ा और लिखा, मात टट्टी करना भी जो मुजाहिद का काम हो सकता है, इसकी कल्पना कहाँ थी। सब होता रहा लेकिन लेखक की कुमारी नहीं उतरी। जेल में जब नाम लिखाया तो अपना नाम नहीं लिखा, जो साथी मुंबई साथ गया था और फिर गायब हो गया था उसके नाम का उपयोग करके लिखा राम सिंह पुत्र बिशन सिंह, पिता का नाम सही लिखवाया, सब हो जाए पर लेखक बदनाम ना। जेल में जब बदमाश कैदी ने जब जामुन के बीच मसाज करने को कहा तो मना करने पर जो मार पड़ी और फिर करनी पड़ी तो आंसुओं की गर्म बूंदें जब उनकी जांघ पर पड़ी, बदमाश का दिल भी पिघल गया। मटियानी ने कहा, मनुष्य की बाहरी और भीतरी पहचान का सबक मिला। सारा जीवन यही रहा। 13 अप्रैल 1992 को जब पेशवर हत्याकांड में उनके बेटे की हत्या कर दी तो इस सदमे ने उन्हें विक्षिप्त कर दिया। इसी अवस्था में 24 अप्रैल 2001 में नहीं आया तो तत्काल इसी जीवन को मुक्त हुए और काल वहां भी महाकाल के रूप में नहीं आया, तत्काल के रूप में आया। विक्षिप्त अवस्था में हुए जब दीवारों पर सिर पटक जाते तो महाकाल भी तत्काल बनकर ही आया होगा। मटियानी की रचनाओं में व्यक्त यथार्थवाद उत्तराखंड के समाज का अंदरूनी हकीकत व्यक्त नहीं करता, बल्कि मुंबई के उत्साह गुमों को भी उसी जीवंतता से उजागर करता है। 60 साल की बाल्यावस्था से 70 साल के बीच का काल उनके जीवन में भयावह समय के रूप में रहा। जो समय जीवन के निर्माण का समय होता है वो मटियानी का गुजर में बीता। उस समय ने लेखक भले ही बना दिया हो पर जीवन गुजर खाने की तरह ही बीता। यह जीवन हमेशा तत्काल भंवर से नहीं उठता। उन्होंने
उस स्थान से जो हिमालय दिखा उसका कभी वर्णन नहीं किया। उन्होंने लिखा कि बाद में मैंने सोचा हिमालय पर कुछ लिखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कालिदास का हिमालय उनके बचपन के हिमालय की तुलना में बबंडरों से भरा रहा। अस्तित्व रक्षाम देवतात्मा वाला तो कभी नहीं हुआ। उनकी सभी रचनाओं में कथाना के साथ युगबोध का गहरा संबंध है। जिन परिस्थितियों ने जीवन भर के संघर्ष की भट्टी में डाला, लेकिन उस आग ने लेखक को जलाया भले ही हो पर राख नहीं बनी दिया। जो लिखा वो अपने खून से लिखा। और मुझे याद आता है दुष्टेष्टा का एक कथन, जब उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने खून से लिखो तो उसमें तुम्हारी आत्मा बोलेगी। मटियाली ने जो भी लिखा, जिस भी विधा में लिखा, अपने खून से लिखा और उस लिखे में हर पल उनकी आत्मा के दर्शन होते हैं। हिंदी के आलोचकों ने उन्हें हिंदी का गोरखी कहा। गोरखी का जीवन अपने अंतिम समय में ख्याति के चरम पर था, लेकिन मटियाली आज भी आलोचकों की नज़र में उतने बड़े नहीं बन पाए जितना होना चाहिए था। इसके पीछे मटियाली का साहित्य नहीं आलोचकों की गुलबाजी बड़ा कारण रहा है। विश्वविद्यालय आलोचक पद और प्रतिष्ठा के भूखे आलोचक साबित हुए। एक कलम के मजदूर की कीमत आंकड़े में असमर्थ रहे। राजेंद्र यादव जब ये कहते हैं कि प्रेमचंद और रेणु के बाद सबसे बड़े कथाकार हैं, लेखकों के पास दो या चार कहानियां होती हैं, लेकिन मटियाली के पास 10 से अधिक ऐसी कहानियां हैं। इतना होते हुए भी हिंदी कथा जगत में वो स्थान तो नहीं पा सके जो उन्हें मिलना चाहिए था। और मैं उनकी दो कहानियों का जिक्र यहाँ थोड़ा सा करना चाहता हूँ। उनकी एक कहानी है पाप मुक्ति और दूसरी कहानी है प्रेम मुक्ति। पाप से भी मुक्ति चाहिए और प्रेम से भी मुक्ति चाहिए, और दोनों कहानियाँ स्त्री चरित्र को लेकर। पाप मुक्ति में एक जो नंदी है उसका पति किशन, नंदी की एक बेटी है, दूसरी बेटी होने को है, उसकी छोटी बहन है, उसकी देखभाल करने के लिए आती है, लेकिन जीजा साली का संबंध कुछ और हो जाता है। नंदी देखती है कि ये आई किसने थी और वो क्या रहा है, और आखिर में वो सोचती है कि मैं दोनों को बता दूंगी, डांटूंगी, फटकारूंगी। फिर सोचती है कि वो ललिता जो छोटी बहन है वो रोएगी, और रोने के बाद जो ये किस्म हुआ है उसका पति, उसको गुस्सा आएगा, क्या करेगा वो, 2 लाख तुमसे मुझे मारेगा और फिर कह देगा कि जा, तुझे जो करना जहाँ जाना जा, ये तो मेरी होकर रहेगी, तो मैं अपनी उस स्त्री के उस दर्द की रक्षा कैसे करूंगी। ये उसकी चिंता की स्त्री के दर्द की रक्षा में फिर कैसे करूंगी अगर ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन फिर वो जाती है और सुबह उसको कहती है, दोनों को जब देखती है तो कहती है, अरे किशनवान, तो इसकी सिर पर, फिर उसको कहता है कि भूत लग गया है, तो भूत की रखवाली कर रहा हूँ। कहते सुबह वो कहती है कि इसकी माथे पर राख मत लगा, अब इसको सिंदूर ही लगा। और ये कहानी आप दोनों की मुक्ति कैसे होगी, और इसी तरह हो। और दूसरी कहानी जो फिर किशन राम है, वो दलित है और उसकी पत्नी उसको छोड़ के गरीब आदमी था, उसके मायके जाते हैं, उसके मायके वाले उसकी पत्नी को रख लेते। उसने कहा कि पंडित जी पांडे जी मेरी घरवाली को उन्होंने रख लिया, ये नहीं कहा कि मेरी अपनी बेटी को रख लिया, पर मेरी घरवाली को उन्होंने रख लिया, और वो पूरा जीवन उसका इंतजार करता रहा। और अंत में जब उसको लगता है आई नहीं मरने को है, तो फिर पंडित जी ये कहता है मुझे तो कोई कराएगा नहीं, करा मेरी मुक्ति कैसे होगी, अगर मैं मर गया तो कहीं मेरा प्रेत बन करके मेरी आत्मा वो जो पत्नी है उसको न सताए, क्योंकि मेरी सौतेली माँ है उस पर मेरा बाप आता है, और उस सौतेली माँ के बच्चे उसको बहुत मारते हैं जब उस पर मारती है, चप्पल से मारते हैं, तो उसको कितना दुख होता है। कहीं मैं ऐसे ही मरूं और कहीं मेरी उस पत्नी को जो मुझे छोड़ के चली गई है
कहीं उस भाई उनके भाइयों के बच्चे भी उसको ऐसे ही न मारे, मैंने उसको कभी एक कड़वा शब्द भी नहीं कहा। और मेरे मरने के बाद कोई उसको इस तरह से मारे तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मेरी अब एक मुक्ति, ये तो कहानियां हैं, मुझे लगा जब बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा बोली बोली से, वो पढ़ा था लेकिन वो भाषा के संदर्भ में पढ़ा था कि मुंबईया भाषा जिस तरह की जेल में होते कबूतर खाने तमाम कहानी कहानियों से मिल रहा कि इस आदमी को पढ़ना भी अच्छा उसके साथ। और विश्वविद्यालय की आलोचना जब मैं कहता हूँ तो इतने भी बड़े आलोचक रहे हैं, उन्होंने पद प्रतिष्ठा का ही पीछा किया, किसी ऐसे आदमी की उसने आलोचना नहीं की, बल्कि ये देखा कि इससे मैं इसकी पीठ सहलाऊंगा तो इसकी ये मेरी पीठ कितनी सहला सकता है। और इसी वजह से मटियाली जैसा लेखक जिसका एक एक शब्द जिसको कहते हैं भूखा हुआ, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसको, ऐसा लेखक हिंदी में विरल है। गोटकी उसके आगे मुझे कहता है, मुझे लगता है कि गोटकी की तुलना करना उसे ठीक नहीं है, गोटकी से जितना दुख जितना लिखा उसी लिखे से ही उनका जीवन भी चला है। इसीलिए जब वो ये कहती है मां सरस्वती नरक दे देना लेकिन लेखक बना देना, नरक भी मिला और लेखक भी मिला। बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी का भी शैलेश मटियाली से बहुत अंतरंग संबंध रहा और पुस्तक भी लिखी है। प्रकाश मनु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन शैलेश मटियाली के प्रति उनका जो प्रेम है उसके बावजूद ही वो यहाँ आए और उन्होंने अपना आलेख मुझे लिख के भेजा था और ये कहा था कि बोलने में अभी परेशानी हो रही है, कई दिनों से बीमार है जी। इतना जी सभी मेरे प्यारे, एक संत परमात्मा मटियाली के अद्भुत कथाकार, 20वीं सदी के दिग्गज कथाकार, आधुनिक कहानी के समूचे परिदृश्य में जिनकी उपस्थिति एक रोमांच की तरह महसूस होती है। इसलिए कि मटियाली जी केवल एक बड़े और सिद्ध कहानीकार ही नहीं, वे खुद में एक कहानी भी है। दिशाओं में गूंज और थरथराहट भर देने वाली एक ऐसी महाकाय कहानी जिसके जितना अधिक पास जाओ, जितने अधिक करीब से पढ़ो, उसका होना, उसका बड़प्पन, उसकी महत्ता और काल से फोड़ लेने की उसकी अजेय सामर्थ्य उतनी ही अधिक महसूस होती है। हिंदी कहानी के परिदृश्य में मटियाली केवल मटियाली है और दूर दूर तक कोई ऐसा शख्स नहीं जिससे उनकी तुलना हो सकती। मोहन राकेश
कंदेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, परमेश्वर नाथ रेण, नहीं कोई नहीं। और ठीक यही बात मटियानी जी की कहानियों के लिए कही जा सकती है। मटियानी जी की कहानियां एक तरह की महाप्राणत्व लय वाली कहानियां हैं, जिनकी सांस आसानी से नहीं चुकती और जो पाठक को एक तरह की गहरी भाव तन्मयता की हालत में पहुंचा देते हैं। लोक संस्कृति के गर्भ से वे जन्म लेती हैं और ऊपर उठते उठते वे वहां आ जाती हैं जहां उनमें शास्त्रीय रागों जैसा कोई गहरा आलाप सा सुनाई देने लगता है। कहानी आप पढ़कर रख देते हैं पर वो कहानी यहां खत्म नहीं होती है। आपको जीवन भर उसमें से शास्त्रीय रागों सरीखा आलाप और गहरी पुकार सुनाई देती है, जिसके साथ ही उसकी नई नई अर्थ छवियां आपकी स्मृति में छल छलाने लगती। आप चकित होते हैं, यह कैसी कहानी है जो कहीं खत्म ही नहीं होती, कभी खत्म ही नहीं होती। और आपके भीतर से जवाब आता है, हां ये मटियानी जी की कहानियां हैं और मटियानी जी की कहानियां ऐसी ही कहानियां हैं जो अपने साथ एक तरह का अमरत्व तो लेकर आती हैं। वे सच ही हिंदी की अमर कहानियां है और यही वजह है कि अगर आपको छाप या अर्धांगनी या चील, मिट्टी, अहिंसा, इब्बू मलंग, गोपली, गफूरन, मैमू, सावित्री, दो दुखों का एक सुख और माता सदी की कहानियां पढ़नी है तो आपको मटिहानी के पास आना ही। हिंदी में एक से एक बड़े कथाकार हैं पर मटियानी जो बड़ी प्राण शक्ति वाली कहानियां लिखते थे उन्हें लिख पाने की सामर्थ्य ईश्वर ने सिर्फ उन्हीं को दी थी, इसलिए उनके बगैर कहानी का कैनवास आज कुछ अधूरा, खाली खाली और उदास करता है। और सिर्फ कहानियां ही हिंदी में मुठभेड़ और बावन नदियों का संगम जैसी लंबी बहस से जुड़े दुस्साहसी उपन्यास भला किसने लिखे। मुठभेड़ फेक काउंटर्स पर लिखा हुआ हिंदी का अद्भुत उपन्यास है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपने बहुत कुछ खो दिया। और बावन नदियों का संगम विषयों की जिंदगी पर लिखा गया ऐसा उपन्यास है कि आप पढ़ें तो बड़ी प्राप्त होती है। और उसमें जो उन विषयों की प्रमुख है उसमें कैसा राजसी गौरव, कैसी कैसी अपने सब लोगों की चिंता करने की भावना, राग विराग दुख सुख किस तरह का है, इतना ऊंचा व्यक्तित्व तो उसका गढ़ा है। एक विषय को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा पाना हिंदी में मुठभेड़ और बावन नदियों का संगम जैसी लंबी बहस से जुड़े दुस्साहसी उपन्यास भला किसने लिखे। बोरीवली से गोरी बंदर तक, भागे हुए लोग, चंद औरतों का शहर, माया सरोवर, आकाश कितना अनंत है, कबूतर खाना हॉल का मुख सरोवर के हंस, बर्फ गिर चुकने के बाद हर उपन्यास मटियानी जी की जी हुई जिंदगी की अलग अलग इबारत। इन्हें पढ़कर मटियानी जी के बड़े विरल किस्म के अनुभव और जीवन संघर्ष ही नहीं,
पूरी की पूरी आत्मकथा भी किसी चलचित्र की तरह आंखों के आगे आ जाती है। मटियानी जी ने एक लंबी बातचीत में उनसे कहा था, मन मैं प्रेमचंद के बाद खुद को हिंदी का सबसे बड़ा कहानीकार मानता हूं। कहते समय उनकी आंखों में जो गहरा गहरा सा आत्मविश्वास था उसे मैं देखता रह गया। मैंने मटियानी जी को पढ़ा था और खुद मटियानी जी के जीवन की खुली किताब को भी बड़े नजदीक से हर दर हर पढ़ा था, इसलिए समझ सकता था कि उनके शब्दों के पीछे जीवन भर की कैसी कठिन तपस्या, लंबी सफरिंग, हड्डियों तक को कपाने वाला जीवन संघर्ष और अनवरत लड़ाइयां थी जिनका वे हर क्षण सामना कर रहे थे और लिख रहे थे। सब कुछ के बावजूद लिखना लिखना और बस लिखना, इसी ने उनकी कलम को आगे बनाया और ऐसी सामर्थ्य दी कि हजारों पाठकों के दिलों पर उन्होंने राज किया और आज भी कर रहे हैं। ये एक छोटी बात याद है। मटियानी जी से मेरी बात, उन्होंने कहा मन मेरी ज्यादातर कहानियां एक सिटिंग में लिखी गई कहानी, और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा घर में जो चारपाई उस चारपाई की पार्टी पर बैठ जाता हूं और हाथ में एक दफ्ती लेकर उसके ऊपर मैं लिखता हूं, और जब मैं कहानी लिख रहा होता हूं तो घर में कितना ही शोर हो, आसपास ढोल बजे, कुछ भी हो, कितना भी शोर शराबा हो, मेरे भीतर की लय चुकती नहीं है और मैं कहानी लिखता हूं और कहानी पूरी करता हूं। जब ऐसे लोग हम देखते हैं कि कहानी लिखने का मूड बनाने के लिए वो शिमले जाते हैं और कहां कहां जाते हैं, कि कैसी तकलीफों के बीच वो देखते हैं। उन्होंने कहा मनु तुमने मेरी छाप कहानी पढ़ी, मनु तुमने मेरी अर्धांगिनी कहानी पढ़ी, ये हिंदी की सबसे कोमल प्रेम कथाएं हैं। लेकिन उन्होंने कहा मनु तुम्हें पता है जब मैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार हिंदी को लेकर कैसी दारुण स्थिति में था, जब तो कैसी दारुण संघर्ष की स्थितियों को देखते हुए बाहर बाहर लाना जो अपनी कहानी के जरिए वो देखना चाहते बात याद। इस महादेश का हम की कहानी की बात करें, इस महादेश का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां आप मटियानी जी का नाम लें और दर्जनों लोग आगे ना आ जाएं कि अच्छा अच्छा मटियानी जी, मैंने उन्हें पढ़ा है, बड़े अद्भुत कहानीकार हैं, ऐसी कहानियां तो कोई नहीं लिखता जैसी मटियानी जी क्या पढ़ने को मिलती है, क्योंकि पाठकों की है। मैं बहुत लेखकों से मिला हूं पर बहुत कम लेखक ऐसे मिले जो पहली बार नहीं छा जाते हैं और आप उनके साथ साथ बहने लगते हैं और ये बहना जिंदगी भर रुकता नहीं है, ये आपके बस में ही नहीं होता, इसलिए उनका साथ किसी गाढ़े रस के झरने सा होता है, गहरा नशा। मटियानी जी ऐसे ही थे, उनसे जब पहली दफा मिला
तभी से उनका जादू मुझ पर ताबीर हो गया था। हंस के दफ्तर में राजेंद्र यादव जी ने उनसे परिचय कराया था। आप जानते हैं शैलेश मटियानी, और वहां कुछ देर बातें उनकी पर ऐसी बातें जो दिल पर गहरे नक्श हो जाती हैं। वे चंद बातें अपनी मौत में जीने वाले हिंदी के सबसे औघड़ और फकीर लेखक सत्यार्थी जी को लेकर हुई थी। तो फिर उसमें किस्से कहानियों वाला पुट अद्भुत रस का मेल और मजेदारी न होती, ये भला कैसे हो सकता था। फिर लोकगीतों के ऐसे अलबेले मगर भुला दिए गए दरवेश पर मैंने किताब निकाली थी, यह खुद में किसी अजब किस्से कहानी से कम न था। मटियानी जी को मैं शायद इसीलिए कुछ भाग गया, और मैंने तो मटियानी जी को इतना पढ़ा था कि उन सरीखे उस्ताद के साबों से बतिया लेना ही मेरे लिए किसी गाढ़े नशे या सुरूप से कम नहीं था। बातों बातों में उन्होंने पूछा, आप कहाँ हैं? और जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका नंदन का जिक्र किया तो बोले, मैं कभी आऊंगा, आप पुस्तक की एक प्रति मेरे लिए रखते। मटियानी जी ने कहा और मैंने सुन लिया परम आनंद भाव से। पर वे आएंगे मुझ जैसे मामूली लेखक से मिलने, मेरे लिए तो यह कल्पना ही कुछ होती थी, लगभग असंभव। पर वे आए अपने लहीम शहीम व्यक्तित्व और अपार जिंदा दिली के साथ, और उस पहली मुलाकात में ही इतनी ढेर ढेर सी बातें हुई कि बरसों बाद भी वो रस मग्न कर देने वाली पूरी फिल्म में दिल के पर्दे पर देख सकता हूं, जिसमें मटियानी जी की निजी जिंदगी के बेढब सफर, विलक्षण लेख की शख्सियत और अजीबो गरीब जिदों से लेकर दुनिया जहां की बातें हुई थी। और मैं भूल गया था कि दफ्तर बंद होने के बाद मुझे घर भी जाना। मटियानी जी दीर्घ सोचते हैं, मगर अपन नाम भी क्या कुछ कम है। अलबत्ता जब बातों के आसमान में उन्मुक्त उड़ाने भरते बहुत देर हो गई तो मटियानी जी ने हल्के से डांटा, सिर्फ बातें ही करते रहोगे या चाय भी पिलाओगे? ओ चाय, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। अभी तक तो उनके साथ जुड़ी तमाम तमाम बातें, उत्तेजक बहसों, गोष्ठी समारोहों और अखबारी पन्नों पर उनकी युद्धम देह वाली मुद्रा के हलचल भरे प्रसंगों और किस्म किस्म के अद्भुत रस वाले किस्से कहानियों से गुजरते हुए मैं भूल ही गया था कि मैं भी इसी धरती का प्राणी हूं, और धरती के प्राणी जब देर तक काम या बातें करते करते थक जाते हैं तो चाय पी लेते हैं। अलबत्ता चाय आई और मस्ती से गप शप ठाकों पर ठाके लगाते हुए चाय पी के, चाय की चुस्कियों के बाद फिर जैसा कि होना था साहित्य की किस्म किस्म की कहानियों से बढ़कर रंग और रस में एक दुनिया के चर्चे और चर्खे चलने के लिए लगा कि मटियानी जी के साथ मैं अंतहीन सफर पे हूं। अजब सुरूर से भरा दिन था जब साहित्य किताबों और कागजों से निकलकर खून में दौड़ने लगा था, और मुझे गालिब याद आने लगे थे कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं खाए, जब आंख ही से न थपके तो लहू क्या है। उस दिन मटियानी गए तो ऐसा गहरा नशा छोड़कर कि सच्ची कहूं तो आज तक वह उतरा नहीं है, और हर दिन उसका रस कुछ और गहरा ही होता जाता है। खैर उस दिन तो जैसे तैसे घर पहुंचे, पर फिर हफ्ते दस दिन बाद मटियानी जी फिर मौजूद, और पिछली बार से लेकर अब तक जो कुछ गुजरा अपनी जीवन कथा का हर्फ बता देने को इस कदर आतुर कि मैं फिर भूल गया कि दफ्तर भी होता है और उसका बंद होने का समय भी होता है। जब पीएम ने बार बार संकेत से सूचना दी कि गेट बंद करने का समय हो गया है तो बेमन से मैंने बस्ता उठाया, मटियानी जी ने अपना बैग, और हमारे कदम हिंदुस्तान टाइम्स की कैंटीन की ओर बढ़ चले जिसके बंद होने का कोई चक्कर नहीं था। मगर जब बातों में से बातों के ऐसे सुर निकले कि चारों गहरा अंधेरा सा पसर गया तो मुझे घर
घर याद आया फरीदाबाद की आखिरी गाड़ी के छूटने में। मटियानी जी अब तो मुश्किल, मैंने लाचारी से कहा। मेरे चेहरे पर अब एक घरेलू प्राणी के भय की दस्तक थी और फिर मैं और मटियानी जी उठे बेमन से। मटियानी जी ने ऑटो पकड़ा और मैं जैसे तैसे दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि आखिरी गाड़ी निकल चुकी है। अब टुकड़ों टुकड़ों में कई बसें पकड़कर था जाना था और चूंकि उस समय मोबाइल तो छोड़िए फोन तक भी न था तो मन में विचार उठा ये अंधर करने का कि ओह घर पर सुनीता परेशान थी। मुझे पता था कि रात को देर होने पर उसे बस एक ही ख्याल आता है कि मैं कहीं दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पड़ा हूं और मेरे चारों तरफ रोशनियां उगलती गाड़ियां भागी जा रही हैं। उसे लगता है मेरे जैसे लापरवाह का और भला हो भी क्या सकता है, और यहां तक कि सही सलामत घर आ जाने पर उसे विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक ठाक हूं और बड़ी देर बाद वो सह नहीं पाती है। पर गनीमत यही कि खतरे की घंटी देख घर आते ही मैंने मटियानी जी के एक से एक दिलचस्प किस्से छेड़े तो उसे सहज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वैसे भी वो मटियानी जी की कहानियों की बहुत प्रशंसक है और अक्सर कह उठती है हिंदी में दाम्पत्य प्रेम की जैसी अद्भुत कहानी मटियानी जी ने लिखी है वैसे कोई और नहीं लिख सका। उन्हीं मटियानी जी से मैं मिलकर आया हूँ, यह उसके लिए बड़ी असाधारण बात। मगर अब ये जल्दी जल्दी होने लगा। बीच में मटियानी जी ने मेरे दो इंटरव्यू पढ़ लिए। एक में डॉक्टर रामविलास शर्मा से लंबी बात थी, दूसरे में कामेश्वर से। बस मटियानी जी मेरे इंटरव्यू से कुछ ऐसे कायर हो गए कि उन्हें लगा ऐसे इंटरव्यू तो पूरे हिंदी साहित्य में कोई और नहीं कर सकता। बोले मन मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा। बरसों पहले कामेश्वर ने सारिका से एक लेखक को भेजा था। वे भले सज्जन थे, मेरे घर पर बहुत दिन डेरा डाले रहे, पर इंटरव्यू देने का मूड नहीं बना। मैंने तुम्हारे इंटरव्यू पढ़े, तुम इंटरव्यू अच्छा देते हो, थोड़ी फुर्सत मिले तो मैं पूरा हफ्ता तुम्हारे घर आकर रहूंगा। 7 दिन हम 7 विषय तय कर उस पर बात करेंगे, पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो, फिर वो किताब की शक्ल में आएगी, उस पर दोनों का नाम जाएगा और हाँ रॉयल्टी आती आती। अब मुई रॉयल्टी की तो किसे परवाह थी, वे आधी नहीं भले पूरी ले लें, पर हाँ उनकी जो अफरा तफरी वाली हालत थी जिसमें मैं उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं तेजी से आते जाते बल्कि कहना चाहिए भागते ही देखता था और भागते भागते ही हमारी बातें होती थी। उसमें यकीन नहीं आता था कि पूरा एक हफ्ता भी हमारे घर रुकेंगे और बात हो पाएगी। तो फिर मैंने तरीका यह निकाला कि हर बार जब वे आते तो मैं उनकी जीवन कथा का कोई खास प्रसंग छेड़ देता और मटियानी लीन होकर सुनाते तो मैं मन के टेप पर पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता और दिन में कई कई बार रिवाइंड करके पक्का करता हूं। इस बीच मटियानी जी अपनी सारी नई पुरानी किताबें मुझे दे गए। कुछ अरसा पहले उन्होंने विकल्प और जनपक्ष पत्रिकाएं निकाली थी जिनकी खासियत ढूंढ रहे थे, उनकी पुरानी फाइलें भी वो मुझे देना नहीं भूले। और यही नहीं अपने जीवन में घटी एक से एक छोटी बड़ी बात भी जैसे वे मुझे बता देना चाहते थे। पता नहीं कैसे उन्हें यकीन हो गया था कि जो कुछ वे मुझे बता देंगे वो रह जाएगा और कहीं ना कहीं दर्ज होगा। उनकी अनकही कहानी अनकही न कहेगी। उधर मटियानी जी के जीवन में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी भागम भाग थी जिसे ठीक ठीक समझना किसी के लिए ही मुश्किल था। मैं कुछ कुछ अंदाजा लगा रहा था लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह समझ लिया था यह मैं कैसे कहूं। वे लगभग बदहवास हो चुके थे, पूछने पर उनका हमेशा एक ही जवाब मिलता, मनु मैं जीवित कैसे हूं यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। कार्य से तो जो परिस्थितियां हैं
उनमें मुझे जीवित नहीं होना चाहिए था, सुनकर जी धक से रह गया था। और फिर एक के बाद एक हादसे, उनमें सबसे घातक और मर्मान्तक घटना थी उनके पुत्र की क्रूरतापूर्ण हत्या। जैसे देखते ही देखते उनके जीवन में प्रलय आती हो। कुछ दिनों बाद मटियानी दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे दरियागंज में किसी जगह बुलाया। उनके भाई का दफ्तर था जो बड़े अधिकारी थे। पूरे एक घंटे वे मेरे सामने बैठे, ना उन्होंने कुछ कहा ना मुझसे कुछ कहा। फिर बोले, मनु अब तुम जाओ, आज मैं कुछ बात नहीं करता। पूरे एक घंटे एक मौन इंटरव्यू चलता है। मैंने अपने जीवन में बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू किए, 8-8, 10-10 घंटे के इंटरव्यू किए, 60-60, 70-70 पन्ने के किए, लेकिन उस दिन मैंने एक घंटे का इंटरव्यू किया। एक घंटे का मौन इंटरव्यू, इसमें ना एक शब्द उन्होंने कहा। इस बीच उनके आर्थिक कष्ट और बढ़े भी। कुछ समय बाद केलिया का 1,00,000 रुपए का पुरस्कार उन्हें मिला, तो ये खुशी की आंशिक रूप से सही, अब उनके आर्थिक कष्टों का कुछ अंत होगा। लेकिन इसके साथ ही जो खबर मिली वह कलेजा चीर देने वाली थी। पता चला कि मटियानी जी विक्षिप्त हो चुके, इसलिए खुद पुरस्कार लेने भी नहीं आ सके। सुनकर मैं सन्न रह गया। हा अंत मटियानी जी की यह हालत, इस आदमी के दारुण कष्टों का कोई अंत नहीं। लगा कि अब तो उनसे मिल पाना भी शायद मुश्किल होगा, कभी बात हो सकेगी, इसका तो कतई यकीन ही नहीं था। और जाने कब से आगे खिसकते जा रहे इंटरव्यू की बात तो अब सोची भी नहीं जा सकती थी, असंभव। मेरे जीवन के सबसे दुखी और उजाड़ दिन थे। और इन दुखी और उजाड़ दिन से अचानक फिर फोन पर मटियानी जी की लरजती हुई आवाज, मनु मैं मटियानी बोल रहा हूं। यह 3 अक्टूबर 1996 की बात है, जब कोई 1.25 साल के एक लंबे और दाहपूर्ण अंतराल के बाद चिर परिचित लहजे में मटियानी जी का फोन आया। मनु मैं मटियानी बोल रहा हूं। सुनते ही जैसे मैं सुख दुख की एक अजीब लहर में समा गया। अरे मटियानी जी, आप मटियानी जी ठीक है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मटियानी जी कैसे हो सकते हैं। उनके बारे में तो यह वह और न जाने क्या क्या कहा जा रहा था। डरते डरते उनसे मिलने गया तो उनकी बातचीत या व्यवहार अस्पताल गोविंद बल्लभ पर डरते डरते उनसे मिलने गया तो उनकी बातचीत या व्यवहार में मुझे कहीं कोई असामान्यता नहीं दिखाई थी। न कहीं स्मृति लोप, न भाषा की असावधानी, न किसी और तरह की असामान्यता। पता चला कि वे पिछले 1 महीने से इलाज के लिए गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल में। बातचीत के दौरान उन्होंने बारीक से बारीक विवरण के साथ 1.25 साल की घटनाओं का पूरा वृत्तांत सुनाया। ये इतना दर्दनाक और एक साथ ही इतना मुकम्मल था कि मैं पूरा हिल गया। इसके बाद तो अस्पताल में ही उनसे कई मुलाकातें हुई। अपनी गहरी मानसिक यातनाओं के बावजूद हर दफा वे मुझे सजग और सचेत लगे। यहां तक कि मेरे आग्रह पर उन्होंने डायरी के पन्ने लिखने शुरू किए और 19 पन्ने लिखे। एक दिन उन्होंने हल्द्वानी आने का निमंत्रण दिया, बोले चाहो तो मन अब तुम इंटरव्यू ले सकते हो।
और इस बात के लिए मान गए कि मैं चाहूं तो अस्पताल में भी बातचीत हो सकती है। यूं भी अस्पताल में उनसे लगातार मिलते हुए एक महीना हो गया था और महीने भर में टुकड़ों टुकड़ों में इतनी बातें हुई थी कि आगे की बातचीत के लिए कुछ कुछ भूमिका बन गई थी। और फिर गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल में ही मटियानी जिसे हुआ वह लंबा और यादगार इंटरव्यू, जिसमें उनकी जीवन कथा के तमाम अंक है पृष्ठ खुले, मेरी पुस्तक के शायद 60-70 पृष्ठ में इस इंटरव्यू के महत्वपूर्ण अंशों को मटियानी जी के निधन पर हिंदी की दर्जनों पत्रिकाओं ने बड़े सम्मान के साथ छापा। यह पूरा इंटरव्यू शेखर पाठक जी द्वारा संपादित पहाड़ पत्रिका के शैलेश मटियानी विशेषांक में छपा और उस पर पूरे देश के पाठकों और लेखकों की इतनी प्रशंसात्मक टिप्पणियां मिली कि मैं अभिभूत था। मटियानी जी को चाहने वाले कहां कहां है और वे उन्हें किस कदर प्यार करते हैं कि मैं पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस कर रहा था। मटियानी जी जिस लंबी असाध्य बीमारी की चपेट में आ गए थे वो आखिर उन्हें साथ लेकर ही गए, पर उन्होंने इतनी अमर और कालजयी कृतियां हिंदी को दी हैं कि उनका यह कहना जरा भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि मन मैं प्रेमचंद के बाद खुद को हिंदी का सबसे बड़ा कहानीकार मानता। मुझे याद है हिंदी भवन में हुई मटियानी जी की शोक सभा में हिंदी के कुछ जाने माने आलोचक थे, जिन्होंने बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा था कि मटियानी जी सरीखे जनता के दुख दुख दर्द से जुड़े बड़े कहानीकार पर उन्होंने आज तक एक शब्द भी नहीं लिखा और अब वे उन्हें गंभीरता से पढ़ेंगे और उन पर लिखेंगे नहीं। पर उन स्वनाम धन्य आलोचकों ने एक मलंग चीर दो दुखों का एक सुख अहिंसा छाप माता अर्धांगिनी सरीखे जनता के सुख दुख से जुड़ी अमर कहानियां लिखने वालों के लिए अपनी स्याही की एक बूंद पर बात करना उचित नहीं। शायद इसलिए कि मटियानी अपनी जिद में जीने वाले स्वाभिमानी लेखक थे और किसी बड़े से बड़े तुधरम खान की जी हथेली करने से उन्हें नफरत थी। भले ही वो शख्स हिंदी का कोई बड़ा सुनाम धन्य आलोचक होगा पर मटियानी मामूली कथाकार नहीं है। कभी बाबा नागार्जुन ने बड़े प्यार से कहा था शैलेश मटियानी हिंदी कहानी के दोस्त हैं और मुझे लगता है मटियानी जी एक साथ हिंदी के गोरकी भी थे और लेख और चेखव भी। उनकी कहानियों में गोरकी सरीखी जमीनी हकीकत और तलछट की सच्चाइयां तो चेखव सरीखी महाप्राण लय थी जिसे आलोचकों से ज्यादा उनके पाठकों ने समझा था और यही वजह है कि उन्हें अपने पाठकों का कई इंतहा प्यार मिला था। मटियानी जी के पास जितनी उम्दा और हर लिहाज से प्रथम श्रेणी की रचनाएं हैं उतनी प्रेमचंद के बाद शायद ही किसी हिंदी कहानीकार के पास देखने को मिले। इसी तरह हिंदी कथा साहित्य में रेणु जी की आंचलिकता की बहुत तारीफ होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन जैसा कि राजेंद्र यादव जी ने कहा था हिंदी में आंचलिकता की शुरुआत बहुत पहले मटियानी जी अपनी कहानी और उपन्यासों से कर चुके थे। मटियानी जी हिंदी के बड़े और दिग्गज कथाकार ही नहीं हिंदी कथा साहित्य के शलाका पुरुष हैं जिनसे हिंदी कहानी का कद और ऊंचाई नापी जा सकती है। उनकी कहानियां एक बार पढ़ते ही पाठकों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए घर बना लेती हैं और रोशनी के कतरों की तरह भीतर जगमगाहट पैदा करते हुए हमारी आस्था को संबल प्रदान करती है। किसी लेखक की इससे बड़ी शक्ति और अमरता भला क्या हो सकती है।
मटियानी के पूरे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को आती हूँ जो दोनों ने याद किया वो हमारे लिए बहुत स्मरणीय रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने शैलेश मटियानी की रचनाएं नहीं पढ़ी वे एक बार शैलेश मटियानी की जिन कहानियों का विशिष्ट कहानियों का जिक्र हुआ कम से कम उन्हें जरूर पढ़ेंगे। हमारे बीच ऐसे तीन विद्वान जिन्होंने आज अपने विचार साझा किए मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये और भी शैलेश मटियानी पर लिखें क्योंकि जैसा कि आप सब ने भी चिंता जाहिर की कि शैलेश मटियानी पर बहुत कम लिखा गया है। मेरी भी जानकारी में कुछ एक ऐसे लेखक हैं एक दो के साथ मुझे काम करने का भी मौका मिला। आज मैं बड़े दुख के साथ भी कह पाता हूँ कि उन लोगों ने भी शैलेश मटियानी को विकसित करने के मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ बड़ी भूमिका निभाई लेखकों ने निभाई। तो मैं आज ऐसे शैलेश मटियानी बड़े साहित्यकार को बहुत ही आदर के साथ याद करता हूँ और मुझे खुशी है कि साहित्य अकादमी को ऐसा कार्यक्रम शैलेश मटियानी पर आयोजित करने का मौका मिला। आप सभी आए आप सब के प्रति भी बहुत आभार जितनी बड़ी संख्या में आप आए हैं इससे भी शैलेश मटियानी के प्रति आपका प्यार प्रदर्शित होता है मैं उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी जलपान द्वारा होते थे नमस्कार।